जहानाबाद बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जहानाबाद अपने पार्टी के प्रत्याशी सुल्तान अहमद के समर्थन में पहुंचे। जहानाबाद पहुंचने के बाद चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अरवल मोड़ के पास किया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जदयू और राजद और कांग्रेसी को जनता ने जनादेश दिया था, तब जदयू और राजद समर्थित पार्टी की सरकार बिहार में बनी थी, लेकिन उस समय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं किया और आज चुनावी माहौल में प्रदेश की जनता को बेरोजगार को रोजगार देने की योजना बनाकर गुमराह करने का काम कर रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले आज बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम किया और सात निश्चय योजना के तहत भी कामकाज पर सवाल उनके गठबंधन के नेता उठाने में गुरेज नहीं करते हैं। आखिर चुनावी माहौल है, सभी पार्टियां अपने अपने वादा करने में जनता के सामने पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के साथ साथ और हमारे पार्टी में गठबंधन की पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपने पार्टी के प्रत्याशी चुनावी क्षेत्र में उतारे गए हैं और अगर प्रदेश की जनता हमारे गठबंधन के प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताते हुए जीत दिलाने का काम करती है तो बिहार का मुख्यमंत्री पप्पू यादव होगा और जब पप्पू यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार की बेटियां आधी रात में घूमेंगी, उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षित महसूस नहीं सहना नहीं करना पड़ेगा। जहानाबाद में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे सरगर्मी तेज होती जा रही है और नेताओं की जुबान भी तेज होते जा रहे हैं। जहानाबाद से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार दुनिया का सबसे ज्यादा तीसरी बार आप डीएनए पर आए और एक लाख पर और आरक्षण पर, आरक्षण तो खत्म हो गया और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार, दो दो आदमी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, दो दो मुख्यमंत्री, आप प्रॉक्सी मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री और तीसरा गठबंधन के चुनाव के बाद का मुख्यमंत्री तय किए हुए। नीतीश कुमार जी बताएंगे ना, वो कहते हैं सात निश्चय टू और उनका घटक कहता है सात निश्चय टू घटोला है, हम जांच कराएंगे। नीति आयोग कहता है घोटाला है, हरियाली यात्रा को नीति आयोग ने कहा सबसे ज्यादा इसमें घोटाले हुए, रोड पुल में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। तो नीतीश कुमार जी आप तीन मुद्दों पर आए, तीनों मुद्दों, पटना पेरिस नहीं बन सका, 40 सालों से बीजेपी की मंत्री, नगर निगम का चेयरमैन, एमएलए है पटना में और पटना दुनिया का सबसे समाप्त। तो जहानाबाद में आप, जहानाबाद का पानी नीतीश कुमार को हराने में आप लगे हुए हैं, आप लोगों को आप आवाज करते हैं और दूसरा गठबंधन का तो कोई औचित्य ही नहीं है। अनुकंपा पर पहले वाले भागो तीसरे वाले आओ तो बिहार को ये क्या दिशा देंगे। एक साल नीतीश कुमार के साथ लालू यादव, एक नौकरी आपने दिया लालू यादव जी, उस गवर्नमेंट में आपने एक नौकरी दिया तो आप बताइए मैं वापस ले लूंगा। सर ये बताइए कि जहानाबाद में क्या कार्यक्रम है आपका? सर जहानाबाद में सभा है सुल्तान अहमद जी, जो पीडीए का प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें चंद्रशेखर जी हैं, प्रकाश अम्बेडकर हैं, अंसारी महापंचायत है, पूरी की पूरी पार्टी हमारी। सर कितनी सीटें आ रही हैं? विधानसभा होगी तो आपका समर्थन किसको रहेगा? सर कंप्लीट रूप से जो 30 साल बिहार को बर्बाद किया, जिस 3 साल में हमारे यूथ की जिंदगी हराम कर दी, एजुकेशन और हेल्थ को कलेप्स कर दिया, एमएसपी किसानों का न्यूनतम कर दिया, यही नीतीश कुमार 2006 में, मजदूरों पर सबसे ज्यादा हमला हुआ वो वापस चले गए, फिर स्किल नहीं हो सका, आईटीआई 30 लाख बच्चे नौकरी के बगैर बैठे हुए हैं, नियोजित और शिक्षक पर हमला, ममता पर हमला, आशा पर हमला। हम कंप्लीट आते ही 3 महीने के अंदर सबसे पहली गारंटी मैं आपको बता रहा हूं कि रात के 12 बजे जहानाबाद में बेटी अकेले चले, तीन महीने के बाद एक मर्डर हुआ तो उसी दिन पप्पू यादव का जाए, घरेलू हिंसा छोड़ के एक भी क्रिमिनल आपको नजर नहीं आए। 6 महीने के अंदर लोकपाल बिल पप्पू यादव पहला लाए, कोई दंगा और कोई जातीय दंगा यदि 6 महीने के अंदर हो गया, 3 महीने और 6 महीने के बीच, तो उसी दिन मेरा रिजिग्नेशन गवर्नर को होगा और मैं बिहार छोड़ के, राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। कोई दंगा नहीं होगा, कोई जातीय दंगा नहीं होगा और एक साल के अंदर हर हाथ हर खेत को पानी हम देंगे मगध में, और 2 साल के अंदर
जब तक हम 20,000 कम से कम बेटियों का इंटर से हमें हम रोजगार नहीं देंगे तब तक 6,000 रुपया हमारी सरकार आते ही हर महीना मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सेवक हैं, हम लोगों के लिए जीते हैं सर, आपकी लड़ाई हम लोगों के बेटे की। सर मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई जनता की लड़ाई इन बिहार को नाश करने वालों से। जनता ने मन बना चुका है, ये 30 साल नीतीश कुमार जी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय लालू। नीतीश कुमार के पास कोई मुद्दा नहीं है सुशील मोदी के सिवाय लालू। 15 सालों में नीतीश कुमार आपने क्या किया? लालू यादव का तो 15 साल था, उसको जनता ने नकार दिया। नीतीश कुमार आप 5 साल में बताइए ना कि सबसे ज्यादा दुनिया में नीति आयोग कहता है, आपके घटक कहते हैं कि भ्रष्ट शासन है। एक भी व्यक्ति और एक भी घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। नौजवानों के जेब में 100 रुपये नहीं है। किसान कोलैप्स कर गए, बच्ची घर से नहीं निकलती, माँ घर से नहीं निकलती, लोग डरे हुए हैं। सर अभाव में जीते। आपके गठबंधन कितनी सीटों पर? सर 243 में। कितनी जीतने की उम्मीद है? कम्प्लीट जी, कितनी? अब जनता तय करेगी ना, ये भी हम ही बोलेंगे। अगर अगर सीट की कमी हुई सरकार बनाने में तो किसे समर्थन? सर सवाल 30 साल बनाम 3 साल मेरा प्रतिज्ञा पत्र आया। सर मैं पहला आदमी हूँ और जन अधिकार पार्टी पहला पार्टी है। पप्पू यादव ने कोर्ट से एफिडेविट करके दिया है कि मैं 3 महीना 6 महीना 9 महीना 12 महीना 15 महीना 1 साल 2 साल 3 साल इसके तहत यदि मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और दोबारा बिहार की राजनीति में एफिडेविट में लिखा हुआ है मैं अपनी भूमिका नहीं ढूंढूंगा। 3 साल एशिया का नंबर 1 बिहार, 1 साल के अंदर एशिया का सबसे सुंदर स्कूल और अस्पताल होगा जहानाबाद का, और 2 साल के अंदर इंटर से एमए किए हुए हर हाथ को बेटियों को 20,000 और छात्र को 14,000 रुपया इन रोजगार की व्यवस्था गारंटी के साथ। ये जो पोल है हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा होगा, कैमरा हम मैंडेटरी करेंगे। नेता पदाधिकारी और ठेकेदारों के घर के चारों तरफ कैमरा, और जिसके हाथ में पत्थर या जो दंगा पैदा करेगा, जो जाति को गाली देगा और जो अपराध में संलिप्त होगा वो दिख गए कैमरा में। 3 महीने के अंदर चार्जशीट होगा उसपे हर परिस्थितियों में चाहे जो भी हो, और उसकी हम बूथ लिस्ट से नाम हटा देंगे। उसको पंचायती राज का चुनाव नहीं होगा, और सरकारी सारी सुविधा पानी बिजली बैंकिंग सिस्टम आधार कार्ड राशन कार्ड ये सब उस घर के सबका छीन लेंगे। जो भी अपराध में संलिप्त होगा गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आदमी के जिंदगी में दखल नहीं देने हम किसी ताकतवर लोग, और किसी के जेब पर किसी पदाधिकारी और नेता की नजर नहीं होगी। भ्रष्टाचार मुक्त होगा 6 महीने के अंदर, या तो भ्रष्टाचारी रहेगा या तो पक्की।